रिवेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इसको बताएंगे। ये बताओ कि इस शीट का कलर कैसा है, कौन सा कलर कहते हैं इसको? बोला ग्रीन। नहीं, ये लाइट ब्लू है। बोला ग्रीन है सर, कैसी बात कर रहे हो? बोला लाइट ब्लू है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये ग्रीन कहते हैं इसको? नहीं, ये इसको लाइट ब्लू कहते हैं। समझने की कोशिश करो, ये लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू। ऐसी बहस होती है चीज़ों में कि जब हम चीज़ों को पूरा नहीं देखते ना तो हमें केवल अपना ही पोर्शन दिखाई देता है, ये ग्रीन है, और हमारी साइड से देखने पे हमें कैसा दिखाई देगा? बोला लाइट ब्लू दिखाई देगा। तो इसके पास आप ऐसा नहीं कह सकते बोला ग्रीन है, आप इसके ये कहेंगे बोला ग्रीन भी है और लाइट ब्लू भी है। लाइट के साथ भी ऐसे होता है कि जब आप इस चीज़ को सामने से देखोगे ना शीट को, तो आपको ये ग्रीन दिखाई देगा लेकिन आपको लाइट ब्लू नहीं दिखाई देगा। तो लाइट के साथ भी ऐसा ही है। ध्यान देना कि जब हम लाइट को देखते हैं, जब हम लाइट को स्टडी करते हैं, तो एक बार में उसके एक ही फेस को, उसके एक ही रूप को देख पाते हैं, जो कि होता है कभी कभी वेव और कभी कभी पार्टिकल। तो इसको हम बोलते हैं ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मैटर पे भी आएंगे। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि लाइट का नेचर कैसा होता है? बोला पार्टिकल नेचर होती है या वेव नेचर होती है? तो क्या बोलोगे आप? बोलना कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। बोला लाइट पार्टिकल नेचर के साथ की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। बोला कैसे? जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हैं, क्या देखते हैं? जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हैं, जब हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखते हैं, तब हमें लाइट का वेव नेचर सामने नजर आता है। और उस चीज़ को हमने प्रूफ भी किया है, उस चीज़ को प्रूव भी किया है ना। तो जब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसे पैटर्न हमारे सामने होते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर है ना। लेकिन जब दूसरे नेचर हमारे सामने आएंगे, दूसरे फेनोमेनास को जब हम पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई कैसा नेचर है, तो क्या बोलोगे? बोला लाइट के पास दोनों नेचर हैं, लेकिन हम एक टाइम में केवल एक ही फेस को, उसके एक ही रूप को, उसके एक ही नेचर को देख सकते हैं, चाहे हमें वो पार्टिकल नेचर दिखाई दे, चाहे हमें वो वेव नेचर दिखाई दे। इस यूनिट में हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि लाइट कब कब इस तरह से बिहेव करेगी, वेव की तरह तो कैसे बिहेव करेगी, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पार्टिकल की तरह किस तरह से बिहेव करेगी हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ये तो हमने क्या बोला, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लेकिन आने वाली वीडियोस में हम ये भी पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर कि जिस तरह से लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक उसी तरह से मैटर यानी कि इस चौक के भी दो नेचर हैं, है ना। मैटर के भी दो नेचर हैं। बोला एक नेचर होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, जिसको हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो उन्होंने दी उसके हिसाब से उसको पढ़ेंगे, और फिर बाद में इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास मैटर है, चौक है, इसके पास भी वेव है ना। कब होगी? जब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो एक दो वीडियोस हमारी चलेंगी वो किस लिए चलेंगी? एक दो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई लाइट का ड्यूअल नेचर, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं भाई लाइट के ड्यूअल नेचर को स्टडी करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने ये तो समझ लिया, बोला वेव कब, लाइट वेव कब दिखेगी? जब इंटरफेरेंस होगा, जब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जब सुपरपोजिशन होगा, जब डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। ये केवल और केवल लाइट के वेव नेचर के कारण ही बन सकती हैं, इसमें पार्टिकल नेचर का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, लाइट के पास दो यूनिफॉर्म है। मतलब जब उसकी मर्जी तब वो पहनेगी, जब उसकी मर्जी, उसने अलग अलग ओकेजन के लिए बना के रखी है ना। मतलब ये कोचिंग की ये वाली ड्रेस है, ये वाली कोचिंग की ये वाली ड्रेस है, समझ रहे हो, ये वाले स्कूल की ये वाली ड्रेस है, ये वाली पार्टी की ये वाली ड्रेस है, समझ रहे हो। तो वो अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग बिहेवियर को दिखाती है, ठीक है। चलिए, तो वेव नेचर कहाँ कहाँ दिखता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और भी काफ़ी सारी जगह जिनको हमने कहाँ पे पढ़ा है, जिनको हमने ड्यूअल मतलब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है। आज से हम पढ़ेंगे भाई लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, और जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम अभी हम अच्छे से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके बारे में हमें हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और उसी के साथ हम काफ़ी सारी मतलब ऐसा बोलें उसी के साथ डील करते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूअल नेचर में सबसे ज़रूरी बात बोला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन हम जानने वाले हैं? तो हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मेनली मेटल्स के पास होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं? तो आप जानते हो भाई एटम के अंदर, आप जानते हो भाई कि जो ऑर्बिट्स हैं, अगर हम एनर्जी देते हैं तो जो
आप ऐसे कह सकते हो भाई, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट तीसरे ऑर्बिट में, एक एटम से दूसरे एटम में, और जरूरत पड़ने पर अपने एटम को छोड़ भी दे, उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं भाई, एटम्स के बीच में एनर्जी मिलने पर वो इलेक्ट्रॉन जो इंटर एटॉमिक स्पेस में घूमता रहता है, हम उसको क्या कह सकते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं हम उसको। समझ गए बात को, ठीक है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा बोले, ये इलेक्ट्रॉन फ्री कब हो जाता है, तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, क्या है ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के अंदर, या फिर ऐसा बोलें इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर हम कहें कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ थर्मल, ऐसा बोलें कि भाई इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स, ऐसा बोलें कि भाई इनके पास काफ़ी ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी है, समझ रहे हो, इनकी खुद की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब इनके पास खुद की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब इनके पास एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मेटल सरफेस के अंदर ही क्यों घूमते रहते हैं, कभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएं, सोचना पड़ेगा ना। तो बोला निकल सकते हैं, इन्होंने हिम्मत तो कई बार की लेकिन हर बार फेल हो गए। बोला कैसे, देखो अगर हम आपसे ऐसे बात करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, या फिर ऐसा बोलें ये हमारे पास एक मेटल है, इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर जाना चाहते हैं तो इनके पास एनर्जी होना चाहिए। बोले इनके पास एनर्जी है, जो इनको एनवायरनमेंट से जो हीट मिल रही है, जो इनके पास जो हीट एनर्जी है उसके कारण से रैंडम मोशन कर रहे हैं, और अगर रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनके रैंडम मोशन की वेलोसिटी क्या, बोले बहुत ज़्यादा है ना, थाउजेंड्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा इनके पास जो है वेलोसिटी होती है, इतनी यानी कि इतनी ज़्यादा इनके पास एनर्जी, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उस मेटल को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते। और इन्होंने हिम्मत तो काफ़ी बार की, ज़रूरत तो काफ़ी बार की, लेकिन जा नहीं पाए। बोला क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि सोचो कि जैसे ही अभी इसके ऊपर चार्ज कितना, बोला अभी ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए है ना, अभी तो हमने पॉजिटिव चार्ज वगैरह मतलब एटम वगैरह तो नहीं दिखाया, अभी क्या है भाई ये मेटल क्या है, अभी न्यूट्रल है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या हो जाता है भाई, इसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वापस से इस इलेक्ट्रॉन को ये नीचे खींच लेता है। तो उसका मतलब है कि इस तरह से तो कभी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस से यानी कि अपने मेटल को छोड़ के बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो बोला ऐसा तो हमारे साथ भी होता है कि हम धरती पर रह रहे हैं, जैसे ही हम जंप करने की कोशिश करते हैं, बोला जंप करने की कोशिश करते हैं वैसे ही धरती हमें नीचे खींच लेती है। बोला जाके देखो कितने ऊपर जाओगे, बोला मेरी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो वो हमको वो नीचे खींच लेती है। इसके लिए बोला तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर नहीं जाती, कि अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर, बोला जाती है ना, कि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर एक्ट ना कर पाए, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उस पर एक्ट ना कर पाए, तो फिर वो चीज़ एस्केप कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो कंडीशन ये है, सिंपल सी बात यह है कि सेम प्रोसेस, सेम फेनोमेना किसके लिए यूज होगा, बोला इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन अपने मेटल से बाहर निकलना चाहता है, बोला खुले आसमान में उड़ना चाहता है, तो इसको अगर ये बाहर निकलेगा तो भाई इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और अगर ये बाहर निकला तो ये मेटल हो गया पॉजिटिवली चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर जा रहा है, यदि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि भाई इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस पर एक्ट कर पाए, इससे पहले ही ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाए, है ना, मतलब इतनी एनर्जी मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर पहुंच जाए, तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे एस्केप कर जाए, क्या कर जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे एस्केप कर जाएगा। और इस एनर्जी को यानी कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से, या फिर ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से बाहर निकाल दें, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यदि आपसे कहा जाए कि भाई ये बताओ वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ गए बात को समझ गए कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को दी जाती है अपनी सरफेस से बाहर निकलने के लिए। क्लियर इतनी बात। चलिए देखो, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने की कुछ मेथड्स होते हैं।
अब उन मेथड्स में हम क्या करते हैं, बोला एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी प्रोवाइड करने की, एनर्जी देने की जो यूनिट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो देखो इसके लिए समझने के लिए आपको बहुत छोटी सी बात समझनी है कि अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जो है ना ये रही एक नेगेटिव प्लेट और ये रही एक पॉजिटिव प्लेट, इसको हम कैथोड और एनोड कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक काम किया, बोला इसको एक ट्यूब के अंदर बंद किया, हमने एक काम किया बोला यहाँ पे जो है नेगेटिव और इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, इस एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेलरेट करेगा और जिस एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करेगा हम उसको बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो उसका फॉर्मूला बनता है कि भाई वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या भाई, एनर्जी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी यानी कि वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू चार्ज, क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, वोल्ट इंटू चार्ज। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क किया, वर्क मीन्स एनर्जी, तो वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू वोल्ट। हमने कितना वोल्ट प्रोवाइड किया, हमने यहाँ पे एक वोल्ट प्रोवाइड किया और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है ना, ये आपका वोल्ट है, ये आपका कूलाम है, तो वर्क का मतलब है एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो गई भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो याद रखना, याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएंगे, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो एक्सेलरेशन होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हमने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, है ना, इसका फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, हमने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, चलिए याद रखोगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो आप यहाँ पे लिख दें मतलब वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल। क्लियर है, अब आप समझ जाओ बोला एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। ठीक है, तो अब हम जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम जो डेटा लिखेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, चलिए तो देखो इसके बाद हम आपसे ऐसे बोलें कि जो मेथड्स हैं वो हमारे कितने हैं, बोला फोर मेथड्स हैं वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराने के, जो कि मेन मेथड्स हम उनको कह सकते हैं। ठीक है ना, चार तरीके से हम मेनली वर्क फंक्शन यानी कि मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। जो पहला जो सबसे सिंपल मेथड है हम इसको बोलते हैं भाई थर्म आयनिक एमिशन, क्या बोलते हैं, थर्म आयनिक एमिशन। एमिशन का मतलब है बोला बाहर निकल जाना, एस्केप कर जाना। ठीक है, चलिए थर्मायनिक एमिशन में क्या होता है, थर्म मीन्स टेम्परेचर इनकी हीट, और जब हमारे पास ये जो मेटल है अगर हम इसको हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास हीट एनर्जी आएगी जिसके कारण से रैंडम मोशन करेंगे और रैंडम मोशन का इतना बढ़ जाएगा, ज़्यादा हीट दोगे तो ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उस एनर्जी क्या करेगा, उस एनर्जी से ये अब इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये इसके फील्ड को क्रॉस कर देगा, मतलब किस फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स पे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, इसको एस्केप कर देगा। तो हमारा जो पहला मेथड होगा वो कौन सा होगा, थर्मायनिक एमिशन, जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से ये एस्केप कर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस्केप करता है हम इसको बोलते हैं थर्मायन, क्या बोलते हैं, थर्म आयन, और इसको हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना आपको थर्मो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, तो हमने ये जो एनर्जी प्रोवाइड कराई हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाई नॉट, क्या होता है, वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दूसरा तरीका ये होता है कि उसका नाम हमने दे दिया भाई फील्ड एमिशन, क्या दे दिया, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन आप समझ रहे हो, मतलब फील्ड एमिशन का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब है मान लो हमारे पास ये एक मेटल है, इस मेटल है और ऊपर हमने क्या किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो होनी चाहिए 10 टू द पावर 10 वोल्ट पर mm, है ना, इतनी यदि वैल्यू होती है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इतनी वैल्यू हो जाने से यहाँ पर जो है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से के कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि एस्केप कर जाएगा। समझ गए बात को, तो ये हमारे पास जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, फील्ड एमिशन मेथड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फील्ड एमिशन मेथड। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर या पर एमएम दोनों में से कुछ हो सकता है, आपको कंफर्म करके लिख देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे तीसरा मेथड जो होता है, तीसरा मेथड होता है आपका फील्ड एमिशन के बाद
आपका वैसे बोले सेकेंडरी मेथड क्या होता है, सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है कि मान लो कि आपके पास ये मेटल सरफेस है, अब यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा के, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ यहाँ पर लाया जाए, और इस एनर्जी को यदि लाया जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस पे लाया जाए, मतलब हिट कराया जाए, इंसिडेंट कराया जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा और यहाँ पर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा इस सरफेस के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या प्रोवाइड करा दिया, पूरा वर्क फंक्शन प्रोवाइड करा दिया, क्या प्रोवाइड करा दिया, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करा दिया। अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी बात ये बताओ कि फिर हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे कैसे, हम तो देख नहीं पाते ना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और चार्ज निकल जाएगा तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट बना के रखा, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, समझ रहे हो, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक। इसके बाद देखो यहां पर पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा बोला दौड़ता हुआ, तो देखो अगर हम किसी मेटल को हीट कराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो अगर हम हमारे पास अगर टंगस्टन फिलामेंट ठीक है, अगर हम उस टंगस्टन फिलामेंट को हीट करा रहे हैं, है ना, और हमने एक पाइपलाइन टाइप की एक बना दी, ठीक है, तो उस टंगस्टन फिलामेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डायरेक्ट हम इस पर इंसिडेंट करा देंगे और उसको जो है वर्क फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा, चौथा, और जो हम ऐसा बोले चौथा जो तरीका है वो आप ऐसे कह सकते हो कि पूरे हिस्ट्री की, यानी कि इसकी पूरी, इसकी आप कह सकते हैं कि लाइट की दिशा को बदल देता है, डायरेक्शन चेंज कर देगा इसकी पूरी तरीके से, है ना, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ लाइट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, अब आपने इस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट सर्टेन फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट यदि नहीं आती है, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर हम आपको इतना बताएं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट कराई जाती है, जिसके कारण से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि यहाँ से ये एस्केप कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फोटो मीन्स लाइट, और लाइट के कारण से, मतलब लाइट इंसिडेंट करा के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, एमिट किया गया, एस्केप किया गया, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, जो सबसे कम वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो है सीजियम की, कितनी है, सीजियम की जो की वैल्यू है सबसे कम, और प्लेटिनम की वैल्यू है सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्लेटिनम की वैल्यू अराउंड 5 पॉइंट कुछ होती है ना, 5 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी वैल्यू कुछ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड होती है, ठीक है ना, सीजियम की, और उसके बाद बाकी सारे इसी रेंज में आ जाते हैं मेटल्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो ये आपका वर्क फंक्शन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने ये क्यों पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने ये पढ़ा कि ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल है जिस पर सबसे पहले ड्यूअल नेचर की स्टडी की गई, समझ पा रहे हो बात को, है ना, ड्यूअल नेचर, चाहे आपका जो है ना लाइट के फॉर्म को पढ़ना हो, चाहे आपके मैटर के फॉर्म को पढ़ना हो, इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले काम किया गया, तो हमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से एमिट होता है और उसको किस तरह से एनर्जी मिलती है ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। अब देखो, अब हम उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जिस एक्सपेरिमेंट ने इस चीज़ को एकदम प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि भाई हाँ, लाइट का नेचर भी पार्टिकल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। चलिए,